प्रण उपाध्याय की बड़ी खबर। इसराइल में अपनी यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को तीन बड़ी सौगातें दी हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली, मुंबई और तेल अवीव में के बीच सीधी विमान सेवा शुरू करने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने इसराइल में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र खोलने और इसराइल में बसे भारतीय मूल के जो लोग हैं उनको OCI कार्ड के नियमों के राहत देने का भी ऐलान किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने इसराइल में बसे भारतीयों के सामने बदलते भारत की तस्वीर भी रखी और अपने स्वागत के लिए शुक्रिया भी किया। पीएम मोदी के इस दौरे पर भारत और इसराइल के बीच 7 समझौतों पर भी सहमति हुई है। 70 वर्षों में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री का आना ये अपने आप में एक खुशी का भी अवसर है और कुछ सवाल या निशान भी है। दिल्ली, मुंबई, तेल अवीव विमान सेवा शुरू कर दी जाएगी। भारतीय समुदाय के जिन लोगों ने इसराइल में कंपलसरी आर्मी सर्विस की है उन्हें भी अब से OCI कार्ड मिल जाएगा। बहुत ही जल्द भारत सरकार इसराइल में इंडियन कल्चरल सेंटर खोलने जा रही है। इंडियन कल्चरल सेंटर आपको सदैव आपकी भारतीय संस्कृति से जोड़ करके रखेगा। प्रणय, क्या जानकारी मिल पा रही है जो ये समझौते हुए कितने अहम होने वाले हैं भारत के लिए और आज कार्यक्रम क्या रहने वाला है पीएम मोदी का? देखिए, सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत और इसराइल ने प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे में अपनी जो साझेदारी है, अपने जो रिश्ते हैं, उनको रणनीतिक सहयोग या रणनीतिक साझेदारी के पायदान पर ले जाने का फैसला किया है। इसके बहुत व्यापक मायने होते हैं जब कोई भी दो देश, कोई भी दो पक्ष अपने आप को रणनीतिक साझेदार कहते हैं। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बयान एंटी टेरर कोऑपरेशन के संदर्भ में आया है, जब दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि आतंकवाद को जो पनाह देते हैं उसको आर्थिक रसद देते हैं, उनके खिलाफ दोनों मुल्क न केवल कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं और जरूरत महसूस करते हैं बल्कि दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, खासतौर पर पाकिस्तान के संदर्भ में। दूसरी तरफ जो दोनों देशों के बीच में करीब 7 समझौते हुए हैं, इन समझौतों का दायरा काफी व्यापक है कि इसमें कृषि से लेके साझा जो टेक्नोलॉजिकल विकास है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए $40 मिलियन का एक फंड बनाने की बात है या स्पेस के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग का सवाल हो। लेकिन भारत और इसराइल के बीच में रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण पहलू जो है वो डिफेंस कोऑपरेशन भी रहा है। और डिफेंस के क्षेत्र में भले ही कोई समझौता नहीं हुआ हो लेकिन बहुत सारी जो डील्स हैं, बहुत सारे जो सौदे हैं, बहुत सारी जो रक्षा सहयोग परियोजनाएं हैं उनको एक महत्वपूर्ण पुश मिलने की उम्मीद की जा रही है इस दौरे से। आज प्रधानमंत्री करीब 16 इजरायली कंपनियों और 16 भारतीय कंपनियों के साथ एक CEO राउंड टेबल को संबोधित करेंगे और इस मुलाकात में इसमें उम्मीद की जा रही है कि जो अन्य जो सामरिक साझेदारी के सौदे हैं या सामरिक साझेदारी की जो परियोजनाएं हैं उनको आगे नया रास्ता मिल सकता है।